Today we are in Mehroli, where Delhi Police and Delhi Development Authority collectively demolished a 600-year-old mosque, Masjid Akhundji. The compound had a mosque, a madrasa and a graveyard. The authorities came silently in the morning around 4 and demolished the entire compound with over 10 bulldozers. Today we speak to the locals and the imam to understand what exactly happened here. My name is Muhammad Zakir Hussain, Delhi Waqf Board, I'm imam here. कल सुबह 5:30 बजे के करीब जो फोर्स और डीडी वाले आए थे और आके ये कहने लगे हमसे कि ये डीडीए की लैंड है, इसे खाली कर दो। भगत जी तो दिल्ली वक्फ बोर्ड की लैंड है, क्योंकि मैं दिल्ली वक्फ बोर्ड का इमाम हूँ यहाँ पे। तो जब दिल्ली वक्फ बोर्ड का मैं इमाम हूँ तो दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हो गई है, तो दिल्ली ये डीडीए की लैंड कैसे हो जाएगी? कह नहीं, ये डीडीए की लैंड है और इसे खाली करो और जितना भी सामान वामान है अपना सारा सामान निकाल लो। हमें सामान निकालने का कोई मौका नहीं दिया और हमको जो भी जितने बड़े साथी थे हमारे सबको पकड़ के यहाँ जो ये सामने बैरिगेट दिख रहे तो यहाँ हमें ला के छोड़ दिया। जितने हमारे बच्चे थे पढ़ने वाले 25, उन सबको डिटेन कर लिया, किसी को कोई सामान नहीं निकला। सारे बच्चों का सारा सामान उसी मदरसे में बर्बाद और दब गया। तो मस्जिद में कुरान शरीफ रखी थी, कुरान शरीफ भी नहीं निकालने दी, उनकी बेहरमती करी। मस्जिद में पुलिस वाले जूते चप्पलों के साथ जूतों के साथ घुसे, मस्जिद की भेद भी करी, बेहरमती करी। तो ये जैसे आए हैं यहाँ पे तो मैंने इनसे बोला कि भाई अगर डिमोलिशन का ऑर्डर है तो आप ऑर्डर दिखाइए। तो कह नहीं, ऊपर से ऑर्डर है, ये डिमोलिशन होएगा। देखो बच्चों की हालत ये है कि बच्चों के पास जो है ना तो उनको सामान निकालने का मौका दिया, बच्चे के जो तन पे जो कपड़ा है सिर्फ वही कपड़े हैं, यहाँ तक के जूते चप्पल भी नहीं निकाल सके वो अपनी, वो यहाँ वहाँ से नंगे पैर रहे पूरे दिन और नंगे पैर ही यहाँ से शाम के टाइम दूसरे मदरसे में उनको उन बच्चों को एडजस्ट कर रहा है। उन बच्चों के पास ना तो कपड़ा है, ना लत्ता है, ना चप्पल, कुछ नहीं है। जो बदन पर कपड़े पहन रखे सिर्फ वही है, गर्म कपड़े भी उसी में रहेगी कम मदरसे में। वहाँ ये हालत है, वहाँ कल से अब तक ये देखो सामने बैरिगेट लगा रखे हैं, यहाँ से किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे। ये मस्जिद जो 600-700 साल पुरानी मस्जिद है, ये अल्लाह का इबादत अल्लाह का घर था, इसमें इबादत करते थे बच्चे, गरीब बच्चे यहाँ तालीम हासिल करते थे, पढ़ते थे, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते थे। और यहाँ कब्रिस्तान है, कदीमी कब्रिस्तान जो चालू कब्रिस्तान है, तो तदफीन में जो 1500 आदमी आवे थे वो भी अपनी नमाज अदा करते थे और तदफीन अपने जनाजे की नमाज़ पढ़ के तदफीन करके अपने चले जावे। कब्रिस्तान में जितनी भी पक्की कब्र थी सब पे घन बजाया, सबको बराबर कर दिया। जो कच्ची कब्र ही वन पे बुलडोजर के वो खापा मार के वो सारी कब्रें तोड़ दी। गवर्नमेंट से हम यही चाहते हैं हमें इंसाफ मिले। In a statement, the DDA said that the mosque was in the reserved forest part of the Southern Ridge and that they were complying with orders to clear illegal encroachments by Ridge Management Board, a body constituted in 1995 for the protection of the ridge. The statement read that the Sanjay Van is a reserved forest spread over an area of 780 acres, which is part of the Southern Ridge. As per the Ridge Management Board, the ridge area should be free from all type of illegal encroachment. It further announces that 5,000 square meter of land had been reclaimed, but the residents who have lived here for years are feeling helpless. मैं यहीं मैरोली में ही पैदा हुआ हूँ, यहीं पर रहता हूँ। मैं हमारा रिश्ता ये है कि हम शुरू से ही इसी मस्जिद में नमाज पढ़ा करते हैं और ये आसपास हमारा जो महल्ला है 40-50 घरों का महल्ला है, तो ज़्यादातर उसी वही सब इसकी रेख देख करते थे और सभी लोग यहीं दफन होते थे उनके आगे। ये हमें पता लगा सुबह 6-7 बजे कि भाई ये मस्जिद जो है वहाँ लेके आ गए हैं, फोर्स काफ़ी तादाद में फोर्स आई थी कि, और यहाँ पर तो कुछ नहीं, बहुत पीछे की तरफ ही रोक दिया था, कम से कम आधा किलोमीटर पीछे ही रोक दिया था लोगों को, यहाँ तक आने ही नहीं दिया। और उसके बाद पता ये 7 बजे तक इन्होंने सब तोड़ दिया था। जब एक दो वीडियोस आई अंदर से देखी तो वो सब कुछ ख़त्म हो चुका था वहाँ पर। यहाँ हमारे दादा भी हैं, दादी भी हैं, मेरे फादर भी हैं, मेरी एक बिटिया भी है। सोच रहा हूँ कि अब मैं कहाँ ढूंढूंगा उनका निशानदेही, कहाँ पर ढूंढूंगा कि वो मेरे दादा की, दादी की, मेरे फादर की और मेरी बिटिया की कहाँ पर कब्र है, ये ढूंढूंगा जाके। बड़ा अभी से ये हो रहा है कि वो अभी भी अंदर जाने नहीं दे रहे, तो किसी तरह ये सोच रहे किसी तरह अंदर लड़ झगड़ के कैसे भी चले जाएँ
और उन्हें ढूंढूंगी उनकी कब्रें कहां पर हैं। सेक्शन 144 हैज बीन इम्पोज्ड इन द एरिया एज पर पुलिस ऑफिशियल्स प्रेजेंट एट द लोकेशन। लोकल्स आर नो लॉन्गर अलाउड टू एंटर द एरिया वेयर द मॉस्क स्टूड। यहां मैं पैदल आया हूं अपने घर से, मैं रहता हूं वसंत कुंज में, वसंत कुंज स्कोर मॉल के पास रहता हूं, मेरा बच्चा यहां पढ़ाई करता है, मैं आ रहा हूं, मैं उससे मिलने आया हूँ, 4 महीने बाद मुझे मिला नहीं दिया जा रहा है। मुझे पता नहीं था, मेरे को रास्ते पे मैं आ रहा था कि कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि वहाँ पे मस्जिद तोड़ी जा रही है, मस्जिद मंदिर तोड़ी जा रही है, तो मुझे पता नहीं था, मैंने सोचा मैं जाके देख लूँ क्योंकि मेरा एक बच्चा भी वहाँ पढ़ता है, तो उसकी मम्मी ने मुझे कपड़े धोके दिए, कह रहे अब देखे आ जाओ अपने बच्चे को, तो मैं अपने बच्चे के पास आया था अब मोहम्मद हाफिजुल शेख के पास, पर मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है, मेरे बच्चों के कपड़े नहीं देने, मना कर रहे कपड़े देने से। 10 साल उम्र है मेरे बच्चे की उम्र। देखा यहाँ पे ये कारपू लगी पड़ी थी, यहाँ पे ये फौजी लगे पड़े थे, मुझे किन्होंने कि इनमें से किसी ने एंट्री नहीं करने दिया, मैं पीछे वाले गेट से आया था, मुझे एंट्री नहीं करने दी और मेरे बच्चों से मिलने नहीं दिया, और उल्टे मुझे गलत गलत लफ्ज कह रहे थे ये लोग, कह रहे थे बच्चा क्यों पैदा किया, बच्चा क्यों पैदा किया, बच्चा क्यों पैदा करते हैं लोग बाग, बताओ आप मुझे बताओ बच्चा क्यों पैदा करते हैं, बच्चा देश का भविष्य होता है, बच्चे की शिक्षा के लिए भेजा है, पढ़ाई के लिए भेजा है बच्चा, ताकि अपना जो खुदा का अमल है, जो खुदा का अहमियत है, जो खुदा का काम है वो किया जाए। आगे देख रहे यहाँ के हालात बहुत खराब है। लोकल से दैट आफ्टर द डिमोलिशन 25 चिल्ड्रन बिकेम होमलेस हु वर स्टडिंग इन द मदरसा, ओवर 250 कुरान्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड एंड ग्रेव्स वर कम्प्लीटली डिमोलिश्ड। दिस इज अनायरा बख्श फॉर द प्रिंट।